गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस का हमने चैप्टर ख़त्म किया था पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन वन है, ड्रा अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल सेपरेट सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। जो आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे कौन कौन से त्यौहार या बड़े दिन मनाए जाते हैं, और विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाई मेम्बर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। और इनमें से कौन से जो ऐसे बड़े दिन हैं जो कि अलग अलग जो आपके लोकेलिटी में जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं वो मनाते हैं। तो आंसर है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अवर लोकेलिटी आर ईद उल जुहा। सबसे पहले ईद उल जुहा है जिसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा गुरु पूर्व है जिसको जो सिख कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये दिवाली है जिसको हिंदू कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा है जिसको हिंदू कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी है जिसको सिख कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर होली है जिसको हिंदू कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस है जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल मिलंद है जिसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान है जिसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर रामनवमी है जिसको हिंदू कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। सॉरी बच्चों, ये वाई नहीं, यहाँ पे वट है। आप क्या सोचते हैं कि जो इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, जो विविधता है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करती है? द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट कास्टिस एंड रेसिस एंड एम्ब्रेस डिफरेंट रिलीजन। जो हिंदुस्तान के लोग हैं ये अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग रेसिस के हैं और अलग अलग मज़हब ये मनाते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया आर ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन ड्रेस कस्टम्स एंड ईटिंग हैबिट्स। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किस में मुख्तलिफ है? एक तो पहनावा में है, कस्टम्स रीति रिवाज में, और खाने के हैबिटेट में, ईटिंग हैबिटेट्स और खाने के आदतों में। और म्यूज़िक एंड डांस आर एन्जॉयड बाई ऑल। जो हमारा संगीत है और जो हमारा गाना है, डांस है, वो हर कोई उसको पसंद करता है। दिस इज़ द ओनली कंट्री वेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड वाइस वर्सा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और वाइस वर्सा, या इसका जो उलट है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी ब्रीथ्स कम्फर्टेबली, जो कि यहाँ पर चैन से सांस लेता है। सो वी थिंक दैट लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स ग्रेट एक्सपीरियंस इन लाइफ। और हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान में रहना इसके जो रिच हेरिटेज में है, कि वो हमारी ज़िंदगी को बहुत दिलचस्प चीज़ें देता है। तो थैंक यू बच्चों।